अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम बनाएंगे चिकन चटपटा। चिकन चटपटे के लिए हमने 1 किलो चिकन लिए, उसको हमने साफ धो के रखे। अब ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। ये हमने नमक लिए ज़रूरत के हिसाब से। इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। और इसके अंदर अब हम ये दही ऐड करेंगे। ये हमने दही का अमूल का लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटा या आधा घंटा, 1 घंटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे। अब हम चिकन चटपटे मसाले के लिए हम इसमें अब ऐड करेंगे तेल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 3 चम्मच हम तेल ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम गरम मसाले ऐड करेंगे। इसमें हमने साजीरा और ये बादियान लिए, तज लिए। ये गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। तेज पत्ते और ये जीरा, काली मिरी और 4 लौंग। और इसके अंदर हम ये बड़ी इलायची है, जावित्री है और ये फूले। ये भी गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अंदर भी ये गरम मसाले का भी फूल है, ये भी डालेंगे। इसको हम थोड़ा बदाम होने देंगे। इसके अंदर ऐड करने के लिए अब हमने इसमें लहसुन अदरक को अच्छी तरह से चॉप कर लिया, बारीक कर लिया लहसुन अदरक। ये लहसुन अदरक हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हमने प्याज ली है, 5 बड़ी प्याज। मैंने प्याज ज़्यादा ली हूँ, आपकी मुर्गी अगर कम है तो आप कम लेना, इसलिए मैं आपको ये बता दूँ। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाए थे। चिकन चटपटा भी बहुत अच्छा बनता है, आप ये ट्राई करना अपने घर पर। इसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे प्याज। थोड़ा हमारा ये मसाला होएगा, इसके बाद हम इसमें अब ये प्याज भी ऐड करेंगे। ये हमने बारीक एकदम कटिंग करके रखे थे, इसको बारीक काटने का, थोड़ी भी जाड़ी नहीं काटना। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, ये कांदा हम इसमें ऐड करेंगे इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से बदामी होने देंगे। ये हमारी प्याज थोड़ी सी बदामी हुई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि हमने जो मुर्गी में दही सब लगा के रखे थे ना, नींबू, नमक, ये सब हम अब इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह हम इसमें हमारे को कढ़ाई छोटी पड़ी थी इसलिए हमने पतीला ले लिए। ये
थोड़ा पानी इसके अंदर हम डाल के मंगा के ले लेंगे। हमारा जिसमें हमने चिकन रखे थे ये पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको अभी अच्छी तरह से गलने देंगे। ये हमारा चिकन हमने रखे थे थोड़ा गलने के लिए, ये हो गया गल के। ये देखो ये हमारा चिकन ऐसा गल गया है। अब इसके अंदर हम दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 हरी मिर्ची। ये 4 हरी मिर्ची हमने ऐड करे। इसके अंदर हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। और इसके अंदर हम 1 और 1/2 चम्मच 1.5 चम्मच धनिया पाउडर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और इसके अंदर 2 चम्मच हम लाल मिर्ची ऐड करेंगे। इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे इतना। अब ये हमारे मसाले सब हो गए। इसको हम अच्छे से मिलाकर भूनने के लिए रखेंगे। अब इसको हम थोड़ा भूनने रखेंगे। इसमें हम अभी थोड़ा पानी ऐड करेंगे मसाला भूनने के लिए। पानी अब इसको हम भूनने के लिए रखेंगे। अभी हमारा मसाला भून के देखो हो गया माशाल्लाह। हमारी चिकन भी अच्छे से इसमें गल गई है और हमारा मसाला भी इसमें हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा हम इसके अंदर कोथमीर ऐड करेंगे। ये देखो इसमें हमने अब थोड़ी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। थोड़ी सी है कस्तूरी मेथी। इसके अंदर हम कोथमीर ऐड करेंगे। और इसके अंदर अब हम थोड़ा बटर ऐड करेंगे मस्का। ये आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये अभी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी कैसी अच्छी बनी माशाल्लाह। ये देखो एकदम अच्छी अच्छी मेरी रेसिपी बनी है। आप भी ट्राई करो और मुझे सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, मेरे चैनल को देखो।